अब ये एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन काफी बार रिसेंट में भी आया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम रोटेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बट बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट 2D प्लेन के मोशन का भी है, बट कॉन्सेप्ट एंगुलर मोमेंटम का। कहता पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी भी 45 डिग्री पर, एक पार्टिकल को मैंने 45 डिग्री पर यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। अब जब ऐसे प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, तो लैंड कहाँ करेगा, हमने यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आके लैंड किया, ठीक है ना, यहाँ पे आके लैंड किया, पॉइंट ऑफ लैंडिंग है। अब कहता है कि द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन इट्स मोमेंटम, नहीं पार्टिकल मूव ग्राउंड मैग्नीट्यूड ऑफ, चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में चेंज निकालना है, ठीक है। तो मास एम था, वेलोसिटी बी थी, अब समझना इसको, है ना, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसका मास एम है, वेलोसिटी या वेलोसिटी वेलोसिटी बी है ना, तो वेलोसिटी बी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी बी, जब लैंडिंग पे है तब मोमेंटम में चेंज निकालना वेलोसिटी। आपको पता होगा कि जब लैंड करता है तो ये जो वेलोसिटी वी कॉस 45 है एक्स एक्सिस वाली, और ये जो वेलोसिटी है वो वी वी कॉस 45 है, ये कभी चेंज नहीं होती है, और ये है वी साइन 45, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं लगता है। तो ये जो वेलोसिटी जब पार्टिकल लैंड करता है तो ये वी साइन वाली जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसी हो जाती है, मतलब ये आ जाएगा वी बाई रूट टू, ऐसे आ जाएगा जो कि ऊपर था वी बाई रूट टू, ये जो वेलोसिटी थी जो ऐसे थी वो पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे ऐसे हो जाती है, ठीक है। और ये नेट वेलोसिटी ये वी जिससे प्रोजेक्ट किए थे प्लस थीटा पे माइनस थीटा पे वी से लैंड करेगा, ऐसे प्रोजेक्ट किए थे और ऐसे लैंड करेगा, और उसका एक्स वाला कभी बदलेगा नहीं। अब जब एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ही नहीं बदली तो चेंज इन मोमेंटम एट एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट पर रहे वो तो जीरो ही होगा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एक्सिस इज जीरो ऑलवेज। प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी, इस वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में या एच हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी नहीं बदली, मोमेंटम कभी नहीं बदलेगा। अब बदला तो वाई एक्सिस में बदला, तो मोमेंटम चेंज कैसे निकालते हैं, तो मोमेंटम चेंज निकालते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वेक्टर में चाहते हो तो वेक्टर में कर लो, बाद में स्केलर में कर लेना। फाइनल मोमेंटम लिखो नीचे माइनस एम वी जे के, माइनस साइन फार्मूले से चेंज निकालने की वजह से, और ऊपर ऊपर एम वी जे के, तो चेंज इन मोमेंटम माइनस टू एम वी जे के आया, जो कि चेंज इन मोमेंटम डाउनवर्ड आएगा। और मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डाल दो, तो वेलोसिटी रूट टू था ना भाई, तो वेलोसिटी रूट टू था, तो माइनस टू एम बी बाई रूट टू, मैग्नीट्यूड ये रूट टू था, चलो रूट टू, ये रूट टू था, ठीक है, तो रूट टू था। इसका मतलब ये हुआ कि रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर दो, ठीक है, तो टू ने टू को, तो माइनस प्लस टू एम, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ ना, तो एम बी रूट टू, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इसका नीचे होगा वेक्टर में देखोगे तो, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये अब किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, फाइनल मोमेंटम निकालो, इनिशियल मोमेंटम निकालो, मोमेंटम तभी भी निकाल पाओगे जब वेलोसिटी पता होगा, वेलोसिटी आपको निकालने आता होगा, एक्स एक्सिस में मोमेंटम चेंज हमेशा जीरो होता है, तो उसको हम बात ही नहीं करेंगे। टोटल चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम इन वाई एक्सिस, यहाँ पे